मेरे को काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आती है कि स्ट्रीट साइड में ना उनको ये बुरी लगती है कि बीन्स नहीं मिलते, तो भाई एक बार उनको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो बीन्स भी मिलेंगे अगर आपको यहाँ पर, ये देख लो भाई इसमें है बीन्स, और दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ ये देखो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने भाई आ चुका हूँ एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके। थंबनेल वगैरह से तो भाई आपने देख ही लिया होगा कहाँ पर है भाई, गब्बर के कढ़ी चावल खाने। गब्बर के कढ़ी चावल भाई क्या है, गब्बर भाई वो शोले वाला गब्बर नहीं है भाई, हकीकत में भाई ये गांधीनगर के बहुत ही फेमस भाई गब्बर के दोस्तों कढ़ी चावल है। इनके यार रेट लिस्ट देख लो आप, थोड़ी देर शॉर्ट भी रोक लिया मैंने तो आपको पता चलेगा क्या रेट है, कैसे कैसे क्या क्या मिलता है यहाँ पर। दो ही मिलते हैं भाई, कढ़ी मिलेंगी और राजमा मिलेंगे, साथ में इनके चावल मिलेंगे। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कढ़ी कैसी होती है, राजमा कैसे होते हैं इनके, है ना। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये इनका भाई सिटिंग एरिया है, मतलब कि यहाँ पर आप आराम से खड़े होकर या बैठकर दोस्तों खा सकते अपना। और ये भाई दोस्तों है यहाँ की अपनी स्पेशल कढ़ी। तो देखिए भाई कढ़ी के उबाले देखिए कैसे आ रहे हैं, मिल रही है ना दोस्तों गरम गरम कढ़ी, भाई नीचे ही इन्होंने चूल्हा लगाया हुआ है तो भाई ऐसी दोस्तों गरम गरम कढ़ी मिलती रहती है। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये आ गई अपनी कढ़ी। और सबसे अच्छी बात दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखी कि भाई सबके लिए सामान्य कढ़ी है, कोई ये नहीं है कि भाई हमारे लिए व्लॉगर के लिए अलग है और जनरल पब्लिक के लिए अलग है, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और ये देख लीजिए पकौड़ी भी डल रही है दोस्तों, ये देखो काफ़ी मोटे मोटे काफ़ी सॉफ्ट पकौड़े हैं, मैं आगे चल के आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। और साथ में भाई इसमें ना मिर्ची भी डली हुई है, लाल मिर्ची, जिससे थोड़ा थोड़ा ना भाई टेस्ट आता है। जनरली आप देखते हैं ना जो पंजाबी स्टाइल कढ़ी कह लो यार एक तरीके से, उसमें ना डली हुई दिखती है लाल मिर्ची, जैसे हम घर पे बनाते हैं भाई हम तो डालते नहीं, लेकिन बाहर जाते हैं ना काफ़ी सारे हमने देखा है तो ऐसे ना वो लाल मिर्ची डाल के रखते हैं। और एक और दोस्तों हमने यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये देखी, जितना ये आपने कंटेनर देखा ना पतीला, मतलब जो ये रखा हुआ है या पता नहीं क्या कहें इसको, इतना बड़ा है पतीला कह लो चलो, तो ये भाई खाली नहीं करते हैं, ये इसको हाथों हाथ ना भरते रहते हैं। और दोस्तों आपको ऐसी यहाँ पर भाई गर्मा गर्म कढ़ी ही मिलेगी, आप कितने भी भाई बार यहाँ पर आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, जैसे सुबह 9-9:30 बजे खुलती है और शाम को भाई ये उतने मतलब शायद 7-8 बजे तक रहते हैं ये, तो आपको भाई कढ़ी ऐसे ही दोस्तों गर्मा गर्म मिलती रहेगी यहाँ पर, ठंडी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और यहाँ पर भाई ये है दोस्तों इनके राजमा, पतले नहीं है भाई, देखो ग्रेवी डलेगी तो पानी तो आएगा ही, और बीन्स मोटे होते हैं भाई वो नीचे चले जाते हैं, बस ये फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको। और जो ये चावल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये देख ले गोल्डन छीला, वही डबल चाबी बासमती चावल यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें जीरा नहीं डला हुआ, ये सिर्फ हल्दी डालकर आपको ऐसे ही चावल देंगे। और दोस्तों प्लेटिंग आपको देख लो ऐसे ही मिलेगी, मतलब खाने के लिए ये हाफ प्लेट है, प्याज मिलेंगे, इनका मसाला भाई स्पेशल बहुत तगड़ा मसाला है, मैं पहले यहाँ पर खा चुका हूँ एक एक दोस्तों। आपको ये हरी हरी उफ उफ मिर्ची मिलेगी, इतनी भी उफ उफ नहीं है, लेकिन खाने लगोगे ना तो उसके कढ़ी के साथ ना दोस्तों बैलेंस रहती है, ज़्यादा तीखी मिर्ची नहीं है बिल्कुल भाई, घर की बनी हुई दोस्तों अपनी ये मिर्ची है। और साथ में दोस्तों पैकिंग के लिए चाहिए तो देख लो, ये ऐसे ना पैकिंग भी होती है, हाफ प्लेट भी पैकिंग हो जाएगी आपकी और फुल प्लेट भी पैक हो जाएगी, अगर सिर्फ चावल चावल चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो पैकिंग में दोस्तों क्या करते हैं, मसाला भाई साथ में आपको डाल के दे देते हैं। और ये भाई अपनी कढ़ी गई है ना, तो भाई सबसे अच्छी चीज़ और एक हमने यहाँ पर यही देखी है कि भाई आप जैसे पीछे खाओगे ना तो आपको कढ़ी के लिए दोबारा बोलना ही नहीं पड़ेगा, इन्होंने एक आदमी उसी चीज़ के लिए स्पेशली रखा हुआ है, वो आपके पास अपने आप आएगा और कढ़ी भाई अपने आप डाल के चला जाएगा। डलवाओ भाई आप कढ़ी, मज़े से खाओ इनके कढ़ी चावल। और ये देख लो रेट लिस्ट, भाई किसी भाई ने स्टार्टिंग में मिस कर दी हो तो यार दोबारा देख लो। और ये देखो ऊपर पकोड़े दिख रहे हैं भाई, ऐसे ही दोस्तों आपको पकोड़े मिलेंगे। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग में भाई एक प्लेट में आपको कितनी ये पकौड़ियाँ देंगे, और आप बाद में एक दो अगर लेनी हो तो यार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लो भाई कढ़ी की मैं आपको ना पैकिंग दिखा देता हूँ कैसे होती है। तो सबकी दोस्तों अच्छी बात यह है, सारी चीज़ों की ना सामान्य पैकिंग करते हैं यहाँ पर ये, जो मुझे काफ़ी अच्छी भाई पर्सनली मुझे चीज़ अच्छी लगी ये चीज़, तो देख लो भाई एक बार आप। और पकौड़ियाँ भी दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इक्वली इन्होंने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी है, देखो करीब से देख लो आप। तो भाई मेरे को तो 5 पकौड़ियाँ तो दोस्तों इसमें भी दिख रही है ग्रेवी के साथ, और बाद में अब और पता नहीं कितने डालेंगे कितने नहीं डालेंगे, देखते जाइए आप। देखिए किसी में 4 रह जाए किसी में 5 रह जाए वो तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली जितना है सब में इक्वली 5-6 दोस्तों आपको पकौड़ियाँ यहाँ पर सामान्य मिलती रहेंगी। देखो पैक होकर भी रखा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है भाई ये गर्मा गर्म मिलेगी, सबको सामान्य मिलता है, और कढ़ी जितनी बार भी आप लो
भाई उतने मिलेंगे। और साथ में देखो ऐसे ना पैकिंग में ये मिर्ची भी दोस्तों अपनी रखी जाएगी, देखो। तो भाई इतनी ज़्यादा बल्क में कढ़ी बनाते हैं ना ये, देखो मसाला तो भाई स्पेशल है भाई इनका, मसाले है पता नहीं क्या डालते हैं मसाले में, क्या नहीं डालते कोई आइडिया नहीं है भाई हमें तो। और अगर लोकेशन की बात करूँ तो भाई काफ़ी सारे मेरे भाइयों को पता होगा, अगर आप गूगल पे भी डाल लेंगे गब्बर कढ़ी चावल तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अगर कोई मेरा भाई मेट्रो से आ रहा है तो भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा शास्त्री पार्क, वहाँ से आप उतरिए, रिक्शा वालों को बोल देना झील पार्क जाना है, ठीक है, तो भाई वो आपको झील पे छोड़ देंगे, आप झील बोल दीजिए झील पे छोड़ देंगे। जैसे ही आपका गांधीनगर से आप एग्जिट लेंगे ना मेन मार्केट से, तो भाई वैसे ही जैसे ही झील शुरू होता है वहाँ पर भाई आपको ये गब्बर कढ़ी चावल की दोस्तों काट दिख जाएगी। बाकी आप आइए खाइए और भाई मूझ लीजिए, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों मिलते हैं। और ये देख लीजिए आपने स्टार्टिंग में दिखाया था राजमा की पैकिंग, अब पूरी देख लो भाई राजमा की भी पैकिंग होती है। और बीन्स दोस्तों मिलेंगे मेरा इंस्टाग्राम पे भी है ना, तो काफ़ी सारे मेरे भाई कहते हैं कि यार स्ट्रीट साइड उन्हें यही बेकार लगता है कि बीन्स नहीं देते वो, तो भाई मिलते हैं होते हैं बीन्स, लेकिन यार ग्रेवी भी तो खाओगे या सिर्फ बीन्स बीन्स खाओगे, तो भाई ग्रेवी भी मिलती है बीन्स मिलती है ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको बीन्स चाहिए तो भाई बीन्स बीन्स ले लो, तो बीन्स बीन्स भी दे देंगे। तो चलो दोस्तों ये बातें बहुत सारी कर ली, अपनी प्लेटिंग करवा लेते हैं। देख लो जीरा नहीं मिलेंगे भाई इसमें आपको, क्योंकि जीरा है ही नहीं, सिंपल चावल है हल्दी में बना रखे हैं चावल, और चावल भाई सबके एक समान ही हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही तरीके के दोस्तों यहाँ पर चावल मिलते हैं। तो पकौड़ी चलो डलवाते हैं, देखते हैं कितनी मिलेगी। ये दोस्तों तीन पकौड़ी मिल रही है स्टार्टिंग में देख लो, और दूसरी में भी तीन, तो ये एक मेरी लग रही है और एक हमारे भाई कस्टमर की लग रही है, तो इनक्रेडिबल है ना दोनों की भाई सामान्य लग रही है। साथ में आपको अगर लाल मिर्ची लेनी हो तो ले लेना, नहीं लेनी हो मत लेना। और ये दोस्तों इनके प्याज, ये भी दोस्तों ऑप्शनल है। और ये मसाला भाई, मसाला तो दोस्तों ज़रूर लेना, ऑप्शनल नहीं रखूँ भाई मसाले को मैं, मसाला ज़रूर लेना साथ में भाई, मिंट की सॉस लो। और देखो एक एक इन्होंने हरी मिर्ची भी डाल दी इसमें, तो भाई अपनी कढ़ी चावल तो एकदम रेडी है। और अब ये देखिए भाई, मतलब प्लेटिंग करने का ना अंदाज़ भाई बहुत न्यारा है, गर्म गर्म भी आपको फील नहीं होगा। तो चलिए अब आपके लिए दूसरी डिश लगवाते हैं, हम देखते हैं क्या लेंगे क्या लेंगे क्या, आपको तो पता ही है भाई दो ही मिलते हैं कढ़ी और राजमा, तो दोस्तों ये अपने भाई राजमा चावल लगने जा रहे हैं, वही चावल अपने सेम राजमा की मैंने आपको ग्रेवी दोस्तों स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो आप बीन्स भी देख लो भाई, ये देखो है बीन्स, तो भाई और कितने बीन्स चाहिए बताओ, ग्रेवी भी तो खाओगे भाई, नहीं तो चावल बीन्स के साथ सूखे सूखे कैसे खाओगे भाई आप, पूरे भर दिया भाई राजमा ऊपर से, आपको दिखेगा भी नहीं कि चावल है कहाँ पर। और प्रेजेंटेशन दोस्तों वही सेम मिर्ची, जितनी बार भाई जितनी खानी हो मिर्ची आपको, जिसको तीखा खाना पसंद है भाई लो मिर्ची खाओ, जैसे कढ़ी चावल की प्रेजेंटेशन वैसे राजमा चावल की। तो चलिए दोस्तों दोनों चीज़ों का टेस्ट करके बताता हूँ अब मैं। तो जी हाँ दोस्तों भाई दोनों अपनी डिश रेडी है, दिखाया था ना कितनी मोटे पकोड़े हैं ये देखो, क्या बात है यार, है ना। साथ में भाई मिर्ची लेनी हो ले लेना, मसाला लो और भाई अच्छी तरीके से मिक्स करके खाओ, बहुत भाई माउथ वाटरिंग स्टफ़ लग रहा है। और भाई कढ़ी इतनी डाल दी, चावल दिख भी नहीं रहे ये देखो, और कढ़ी को ब्रेक करके दिखाया है देखो कितने सॉफ्ट है भाई कढ़ी, पकौड़े बहुत सॉफ्ट है भाई, क्या बात है। चलो बाइट बनाता हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा यार। तो बहुत ही हम टेस्ट भाई, इससे बढ़िया कढ़ी पकौड़ा मैंने आज तक नहीं खाया होगा, नहीं खाया भाई हकीकत में, नहीं खाया, यानी कि भाई यहाँ खड़ा उसलिए कह रहा हूँ, जो तो मसाले हैं ना एकदम ज़बरदस्त, गर्मा गर्म दोस्तों आपको यहाँ पर खाना मिलेगा, ना बासी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और साथ में जो चावल है भाई वो हल्दी वाले चावल मिल रहे हैं, जीरा वगैरह नहीं डला हुआ, सिंपल है। साथ में दोस्तों एक बार मसाले वाली बाइट भी देख लेते हैं कैसा आएगा टेस्ट, ये देखो मसाले के साथ दोस्तों उतने ही अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको बिना मसाले के ऑफ़ करना हो बिना मसाले के भी ऑफ कर सकते हो, क्या बात है यार। अब दूसरी डिश इनकी ट्राई करते हैं, राजमा चावल वैसे तो फेमस है कढ़ी चावल के लिए है, लेकिन कोई बात नहीं आए हैं तो भाई राजमा भी ट्राई कर ले, एक अच्छी सी बाइट हर चीज़ की बना लेते हैं, प्याज भी इंक्लूड कर लेते हैं। भाई ज़्यादा मिर्ची नहीं है, जो स्पाइस है वो मीडियम स्पाइस है, हर कोई खा सकता है इसको, ऐसी दिक्कत वाली बात है। अगर आपको पैक कराना हो, मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट दिखाए थे, पैक भी करा सकते हो, सिर्फ चावल भी पैक करा सकते हो, कढ़ी कढ़ी भी पैक करा सकते हो, हाफ प्लेट फुल प्लेट जितना आपकी मर्जी चाहे। और अगर आपको बाद में कढ़ी और राजमा में से ग्रेवी लेनी हो तो भाई दोस्तों आप वो भी ले सकते हैं। और मेरे को काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आती है कि स्ट्रीट साइड में ना उनको ये बुरी लगती है कि बीन्स नहीं मिलते,
तो भाई एक बार उनको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो बीन्स भी मिलेंगे अगर आपको यहाँ पर, ये देख लो भाई इसमें है बीन्स, और दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ ये देखो, और दोस्तों यहाँ पर भी बीन्स है, और साथ में कड़ी में भाई हमें दिए एक दो और तीन पकौड़े, तो भाई इनक्रेडिबल टेस्ट है बहुत। आप भी यहाँ पर आइए देख ले गब्बर के कड़ी चावल खाने। तो चलो मैं इस ब्लॉग को फिनिश करता हूँ, डिश फिनिश करके मिलते हैं आपसे हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।